कुछ साल पहले की बात है, जब मुंबई में रहने वाला एक स्मॉल बिजनेसमैन बहुत परेशान था। उसका बिजनेस लगातार नुकसान में चल रहा था और अब उसको अपने कर्मचारियों को सैलरी देने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। नए ऑर्डर्स आना लगभग बंद हो गया था। उसको कई लोगों को पैसे देने थे जिनके कॉल्स आते थे और वो इन सब से बहुत निराश हो गया था। उसकी फैमिली में भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। उसकी वाइफ उसको छोड़कर चली गई थी और बच्चों को भी साथ में ले गई। अब उसको ऐसा लगने लगा था कि अब ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। हर तरफ से निराशा ही हाथ लग रही थी। अब उसको लगने लगा था कि अब कुछ भी वापस ठीक नहीं हो सकता, अब जीने का क्या फ़ायदा। एक सुबह वो समुद्र के किनारे ऊंची चट्टान पर खड़ा था और नीचे कूदकर अपनी जान देने के बारे में सोच रहा था। वहाँ से मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे एक बुज़ुर्ग ने उसको देखा और उसको परेशान और हताश देखकर वो उसके पास आ गए। उन्होंने कहा, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। उसने मना कर दिया और बोला कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ और मेरी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि आप जाकर भी कोई हेल्प नहीं कर पाओगे। लेकिन बुज़ुर्ग के कई बार पूछने पर उसने अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनको बता दी। बुज़ुर्ग ने कहा, अगर तुम्हारी प्रॉब्लम्स पैसे से रिलेटेड हैं तो तुम मुझे जानते नहीं। मैं धीरू भाई अंबानी हूँ। मैं अपने समय में दुनिया का सबसे अमीर आदमी था और अभी रिटायर हो गया हूँ। तुम ये ब्लैंक चेक रख लो और इसमें जितने पैसे तुमको चाहिए वो भर लेना। जब तुम वापस कर सको तब कर देना, लेकिन ज़िंदगी में कभी भी हौसला मत खोना। ये कहकर बुज़ुर्ग वॉक करते हुए आगे निकल गए। पहले तो उसको कुछ अजीब सा लगा, लेकिन जैसे ही उसको ये रियलाइज़ हुआ कि उसकी पैसे की प्रॉब्लम एकदम ख़त्म हो गई है क्योंकि अब उसके पास एक ब्लैंक चेक है, तो जैसे उसके अंदर एक ज़बरदस्त एनर्जी आ गई, वो जोश से भर गया, जैसे उसको एक नया जीवन मिल गया हो। उसने वो ब्लैंक चेक देखा और सोचा कि अभी तो इस चेक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब ज़रूरत होगी तो इसको एनकैश करवा लूँगा। अब उसके अंदर से खर्चा नहीं चल पाने का डर निकल गया था। उसके अंदर फिर से लड़ने की हिम्मत आ गई। वो अपने ऑफिस पहुँचा और अपने सब एम्प्लॉयज़ को बुलाकर कहा, आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे, अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। सब पूरी मेहनत से काम करना शुरू करो, नए ऑर्डर्स लेना शुरू करो, हम सब ऑर्डर्स डिलीवर करेंगे। हमको ये बिज़नेस वापस से खड़ा करना है। पहले तो सब लोग हैरान हो गए कि आज बॉस को क्या हो गया, लेकिन उसकी एनर्जी सब में फैलने लगी। सब एक नए जोश के साथ काम करने लगे और कुछ ही महीनों में बिज़नेस दौड़ने लगा। अब उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं रही, वाइफ और बच्चे भी वापस आ गए। एक दिन उसको याद आया कि वो ब्लैंक चेक जिसने उसकी लाइफ ही बदल दी, वो उसको उन बुज़ुर्ग को वापस कर देना चाहिए और उनसे मिलकर उनको थैंक यू बोलना चाहिए। लेकिन उसके पास उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। वो वापस उसी जगह पर चला गया जहाँ वो बुज़ुर्ग उसको मिले थे, लेकिन वहाँ काफ़ी इंतज़ार करने के बाद भी वो नहीं आए। उसने आसपास देखा तो उसको पास में ही एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दी। उसको लगा कि यही उनका घर होगा। वो अंदर गया तो वहाँ एक रिसेप्शन था। उसने कहा कि मुझे धीरूभाई अंबानी से मिलना है, क्या वो यहाँ ही रहते हैं? रिसेप्शन पर जो लेडी थी उसने उसको बताया कि वो बिल्डिंग मेंटली रिटार्डेड लोगों के लिए है। उसने कहा, हमारे यहाँ एक बुज़ुर्ग रहते हैं जो खुद को धीरूभाई अंबानी समझते हैं और वो निराश लोगों को ब्लैंक चेक देते रहते हैं, क्या आप भी उनसे ही तो नहीं मिले? दोस्तों, झूठा विश्वास भी ज़िंदगी में आपको ज़मीन से आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, इसलिए हौसला कभी मत खोना। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।